हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। आज हम सीखेंगे मैथमेटिक्स 4 में हीट फ्लो जो हमारी इक्वेशन है उसकी प्रॉब्लम। इसके पहले ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि वन डायमेंशनल हमारी हीट फ्लो इक्वेशन होती क्या है और उसका डेरिवेशन क्या होती है, इसकी कंडीशन क्या होती है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन ए रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर। कह रहा है कि एक हमारी रॉड है जिसकी लेंथ कितना है, 2 मीटर है, गिवन है। इसमें मैं करना क्या है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करना है जो 2 मीटर की हमारी लंबी रॉड है, हुज एंड पॉइंट आर फिक्स एट ए टेम्परेचर 0, जिसका एक एंड जो है फिक्स है कि उसका जो टी है वो कह रहा है 0 है, और जो हमारा इनिशियल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है fx कह रहा है कि 100x है। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आपको पता ही क्या है, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन है। तो वन डायमेंशनल हमारी हीट इक्वेशन क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये क्या हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है वन डायमेंशनल ये हमारी क्या है, हीट इक्वेशन है। ठीक है, यहां तक आपको पता है। इसके बाद हम करते क्या थे, हम लेट करते थे u इक्वल टू, हमने मान लिया x फंक्शन हमारा x का है और t हमारा फंक्शन क्या है, ये t का है। इसके बाद हमें चाहिए क्या, यहां du अपॉन dt चाहिए। हमने डेल u अपॉन डेल t निकाला, t के रिस्पेक्ट में है तो x हमारा क्या हो जाएगा, t डैश हो जाएगा। इसी तरीके से डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे, डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, x के है तो हमारा t कांस्टेंट रहेगा, x डबल डैश रहेगा। यहां तक हमने किया। इसके बाद इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहां पे पुट करेंगे तो हमारा निकलेगा क्या, x t डैश इक्वल टू सी स्क्वायर t x डबल डैश। ओके, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, x डबल डैश अपान x हो जाएगा और यहां पे क्या मिलेगा हमें, सी स्क्वायर t डैश t। हमने बताया था जब वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन में कौन सा हमारा सोल्यूशन इसमें एग्जिट करता है, वह हमारा सोल्यूशन क्या है, माइनस के स्क्वायर। ये हमने क्या किया, यहां पे लेट कर लिया। जब यहां पे लेट करेंगे तो हमारे मिलेगा क्या है, यहां पर एक एक्स का और टी को सॉल्व करेंगे तो एक्स डबल डैश हो जाएगा और ये प्लस के स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसके लिए बात कर रहे हैं अभी दोनों के लिए। तो यहां पे हम क्या x डबल डैश को क्या लिख सकते हैं, d स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या डिफरेंशिएट को शो कर रहा है ये, और यहां पे क्या हो जाएगा, k स्क्वायर x इक्वल टू जीरो। अगर इसको पीआई हमारा क्या, ये जीरो है, इसका हम सोल्यूशन को फाइंड कर रहे हैं तो हमारा d इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस आयोडा एंड k हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा जो हम m इक्वल टू लिखते थे। तो यहां पर हम देखिए सी एफ हमारा क्या निकलेगा, सी एफ मतलब एक्स का हमारा जो फंक्शन निकलेगा, एक मिनट अब आपको दिख रहा होगा, एक्स इक्वल टू क्या होता है, सी वन कॉस क्या हो जाएगा, के एक्स हो जाएगा और प्लस सी टू साइन के एक्स हो जाएगा। यहां तक हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से हम इसके लिए सॉल्व करते हैं क्या, वन अपॉन सी स्क्वायर टी अपॉन इक्वल माइनस के स्क्वायर। तो यहां पे टी डैश इक्वल टू क्या बचेगा, प्लस सी स्क्वायर एंड के स्क्वायर टी इक्वल टू जीरो, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से हमारा डी का फंक्शन बनेगा क्योंकि डिफरेंशिएट है, प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर ये हमारा क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू जीरो। तो हम यहां से अगर हम डी फाइंड करें, क्योंकि हमारा पीआई हमारा क्या है, जीरो है, तो यहां डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर और क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम सी एफ अगर इसको फाइंड करें तो हमारा क्या बनेगा, सी थ्री ई की पावर माइनस सी स्क्वायर एंड के स्क्वायर और ये टी। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, हमें क्या मिल गया, एक्स मिल गया और ये हमारा क्या, एक तरीके से सी एफ हमारा टी है। तो हमने यू इक्वल टू लेट क्या किया था, एक्स और टी को लेट किया था। तो यहां पे एक्स हमारा कितना, ये आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्स है। ठीक है, तो एक्स के लिए हम पुट करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, सी वन कॉस के एक्स प्लस सी टू साइन के एक्स। ठीक है, और ये हमारा क्या है, टी है, टी पे क्या है, यहाँ सी थ्री है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी थ्री ई की पावर माइनस सी स्क्वायर एंड के स्क्वायर टी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या किया,
यहां तक अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये मान के चलो आपको 3 से 4 नंबर मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी सोल्यूशन की कि हमारा सोल्यूशन क्या करा है, किस तरीके से पुट करेंगे। हमें सोल्यूशन क्या करा है, इनिशियल कंडीशन हमारी क्या है, इस तरीके से गिवन है। तो मैंने कंडीशन की जब बात बताई थी कंडीशन के लिए, तो यहां पे कंडीशन क्या कह रहा है कि मैं जो एक्स है जीरो, यहां पे जीरो रहेगा एक्स, वो टी है और लेंथ हमारी क्या है 2 है, तो हमारा यहां पे क्या हो जाएगा 2t = 0। ये यू का हमारा फंक्शन था, ठीक है, यही हमारा, क्योंकि यहां पे हम क्या लिख सकते थे, यू इक्वल टू का था एक्स और टी था, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन थी, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, पहले ये वाली कंडीशन को लेते हैं। तो क्या कर रहा है, यू 0, t = क्या है 0 है, इसका मतलब x क्या है 0 है। इस कंडीशन में अगर हम x को पुट करें, u इक्वल टू हमारे क्या मिलेगा, x को 0 करेंगे तो ये वाला हमारा पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। यहां पे हमें मिलेगा क्या, c1 मिलेगा, पहले c1 cos kx मिलेगा, ठीक है। यहां पे इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी, यहां पे x तो फंक्शन नहीं है, तो यहां पे क्या हो जाएगा c3 e की पावर -k² c² और t हो जाएगा। अब देखो यहां पे जो हम जीरो ले रहे हैं, ये क्या जीरो के बराबर है, जीरो के बराबर है, तो हम इस फंक्शन को तो कर नहीं सकते जीरो, ठीक है, क्योंकि ये अगर जीरो हो जाएगा तो सारा टर्म ही खत्म हो जाएगा। तो यहां बात करेंगे c1 के लिए, यानी c1 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा c1 हमारा क्या है, जीरो है। अगर ये c1 हमारा जीरो है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें जो u इक्वल टू क्या मिलेगा, c1 जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो यहां पे हमें मिलेगा क्या, c2 sin kx मिलेगा, c2 sin kx, और यहां पे हमें क्या मिलेगा, c3 e की पावर -k² c² और t मिलेगा, ठीक है। अब देखो c2 और c3 है एक साथ है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं c2 c3 sin kx e की पावर -k² c² एंड टी। c2 और c3 को मैंने मान लिया a, n है कोई कांस्टेंट होगा, तो यहां पे साइन हो जाएगा kx e की पावर -k² c² t, ये हमारा क्या है, u है। यहां तक सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये हमारी लेंथ जो है 2 मीटर है, सेकंड कंडीशन पे u इक्वल टू 2, t है, वह भी क्या है, 0 के बराबर है, यानी x इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, 2 पुट करेंगे। जब हम x इक्वल टू 2 पुट करेंगे यहां पे, तो क्या हो जाएगा, a n हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा साइन के x इक्वल टू क्या कह रहा है, 2 है यहां पे, तुम्हारा हो जाएगा 2 k² हो जाएगा, और e की पावर -k² c² t, ये क्या है, पूरा 0 के बराबर है। अब इसको 0 के बराबर लेने के लिए हमें क्या लेट करना पड़ेगा, कि हमारा जो साइन 2k है वह क्या है, 0 के बराबर है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये टर्म हमारा 0, हमें इंडिकेट क्या करना है, इसको लेना है, ठीक है। तो यहां पे हमारा साइन 0 कब होता है, साइन n पाई के बराबर होता है, तब हमारा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जो हमारा 2k है वो क्या n पाई के बराबर है, तो यहां से अगर हम k इक्वल टू निकालते हैं तो n पाई अपॉन 2 मिल जाएगा, ओके। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और आप कमेंट करें। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, बात करते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं, फिलहाल लंबा है, आगे नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। पहले यहां बात कर लेते हैं, जो हमारा k का वैल्यू आया है, ये वाला k का वैल्यू, इसको पुट करते हैं इस पे, तो यहां पे हमें u इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a n साइन के, k इक्वल टू क्या है, n पाई अपॉन 2 है, ठीक है। k जो हमारा निकलेगा यहां से, ये यहां पे पुट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ए एन हो जाएगा साइन के, के का वैल्यू पुट कर दिया हमने, और यहां पे हमें क्या मिला, ई की पावर -k² c² और टी। अब मैंने आपको ये चीज बताई थी, अगर अब इसको ऐड करते हैं समेशन के साथ में, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, अभी इन्फिनिट्यू एन इक्वल टू 1 हमारा रहा होगा, 1, 2, 3 करके, तो ए एन हमारा हो गया, और ये हमारा बचेगा साइन एन पाई एक्स अपॉन 2 ई की पावर -k² c² और टी, ओके। हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है, कि जो हमारा एफ एक्स है, जो हमारा इनिशियल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, सेकंड जो हमारी कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन वाली है, जो कंडीशन कह रही है कि जो हमारा एफ एक्स है वह क्या है,
हंड्रेड एक्स के बराबर है। ये कब होता है? जब हमारा टी क्या होता है, जीरो होता है, यानी एक्स जीरो इक्वल टू यही होता है। जब ये टी इक्वल टू जीरो है तो भाई लोग टी इक्वल टू जीरो पुट करो, ये क्या हो गया सौ एक्स के बराबर हो गया, और ये सिग्मा ए एन हो गया। तो यहां पे क्या हो जाएगा साइन एन पाई एक्स अपान टू। अब ये ई की पावर कह रहा है कि भाई जीरो हो गया, कितना टी, ये टी जीरो तो ये जीरो, जीरो वन हो गया, तो यहां हमें कितना मिल गया, इतना मिल गया। ये चीज आपको समझ आई यहां पे? अब देखो हमने बात किया यहां पे ए एन कैसे सॉल्व करते हैं, इसके पहले मैंने बताया था जब इसका वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन मैंने डिटेल से बताया था। तो यहां पे हम सॉल्व किस तरीके से करते हैं, ए एन इक्वल टू टू अपॉन टू, ये रूल होता है इसका, जीरो टू टू, यहाँ पे एफ एक्स होता है, एफ एक्स कितना है हमारा हंड्रेड एक्स है, और ये वाला हमारा फंक्शन निकल के आता है साइन एन पाई एक्स अपॉन टू डी एक्स। ठीक है, ये रूल है, एक तरीके से हम इसको वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा टू से टू कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा क्या जीरो टू लिमिट है जो इसका इंटीग्रेशन है, ये हंड्रेड एक्स बचेगा, और ये बचेगा साइन एन पाई एक्स अपान टू, और ये डी एक्स ए एन। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब आते हैं नेक्स्ट पेज में ताकि आपको कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो। अब देखो यहां तक हमने कर लिया, इसके बाद देखो ये हमारा हंड्रेड क्या, एक तरीके से हमारा कॉन्स्टेंट है, हंड्रेड को हटा लो, ये जीरो टू टू रहेगा एक्स साइन एन पाई एक्स अपान टू, और ये डी एक्स, ये हमारा क्या है ए एन है। अब देखो इसको मान लो, एक को फर्स्ट मान लो, एक को सेकंड मान लो, जब इसको एक को फर्स्ट मानोगे एक को सेकंड मानोगे, आपको एक रूल पता है, रूल क्या है जो मल्टीप्लिकेशन का हमारा रूल होता है इंटीग्रेशन के लिए, यू और वी और डीएक्स होता है, तो हम करते क्या है, हमने यू माना और ये वी डीएक्स कर दिया, माइनस यू इंटीग्रेशन होता है और फिर अगेन क्या होता है वी डीएक्स होता है और ये डीएक्स होता है, यही रूल होता है। ठीक है, इसी रूल को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ये हमारा क्या 100 है। अब क्या है इसको सॉल्व करते हैं, x मैंने मान लिया भाई कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, इसको करो क्या इंटीग्रेशन साइन, अब इसको टोटल x मान लिया तो क्या होता है, माइनस के लिए साइन होता है, कॉस के लिए इसको काम करो, यही पर लिख दो माइनस क्या होगा कॉस एन पाई एक्स अपान टू, ये वाला नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब देखो अब एन पाई एक्स अपान टू के लिए करोगे तो क्या हो जाएगा, टू अपान एन पाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये चीज समझ में आ गई। अब करो माइनस, अब यहां पे क्या कह रहा है कि यू डैश हो जाता है, अब एक्स के लिए क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, भाई ये हो गया वन हमारा। अब ये फिर कह रहा है वी डी एक्स, तो यानी सेम आएगा, यानी माइनस का साइन यहां पे प्लस कर दो डायरेक्ट, टू अपान क्या हो जाएगा एन पाई हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा कॉस एन पाई एक्स अपान टू, ये हो जाएगा डी एक्स। अगेन इसे और स्टेप से सॉल्व करो तो हंड्रेड हो गया, और ये हमें बचेगा क्या x बचेगा माइनस टू अपॉन एन पाई, और ये हमारा हो गया कॉस एन पाई एक्स अपॉन टू, ये प्लस का साइन, इसको अगेन जब हम करेंगे अगेन इंटीग्रेशन, टू अपॉन एन पाई कॉन्स्टेंट है तो टू अपॉन एन पाई हमें फिर से मिलेगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं फोर अपॉन एन पाई, और ये कॉस के लिए क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा साइन एन पाई एक्स अपॉन टू। ठीक है, अब देखो अब इसको अप्लाई करते हैं, क्या है जीरो टू टू है, अब देखो एक्स इक्वल टू अगर हम जीरो पुट करते हैं तो क्या होगा, सॉल्व करो इसको कि हमें क्या मिलेगा अगर हम जीरो पुट करते हैं एक बार, और ये एक बार टू पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दिए, यहां से देखो मल्टीप्लीकेशन के लिए ये तो पूरा जीरो हो गया सीधे सीधे, और साइन जीरो जीरो होता है, ये हमारा पूरा जीरो हो गया। अब टू की बात करते हैं, अगर अब यहां पे टू लेते हैं तो साइन एन पाई के लिए जीरो बचेगा कि क्या, सिर्फ हमें ये वाला टर्न बचेगा, ये वाला बचेगा हमें टर्न। ठीक है भाई, जब यही वाला बचेगा क्योंकि एक्स इक्वल टू यहां पे टू है तो क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा, यानी हंड्रेड माइनस फोर अपान एन पाई, और ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या कॉस एन पाई बचेगा, यही बचेगा। ठीक है भाई, जब ये बचा तो ये क्या हो गया फोर हंड्रेड हो गया और एन पाई हो गया। अब कॉस एन पाई के लिए क्या होता है माइनस वन की पावर एन होता है। ठीक है, इतना लिखना है इसको। जब यहां तक हमने सॉल्व कर लिया तो हमारा जो यू निकलेगा फाइनली ए एन, क्योंकि हमारा क्या निकला था इन्फिनिटी,
एन टू वन कितना हो गया 400, एन पाई ये कितना हो गया माइनस वन की पावर एन। इसको माइनस साइन के साथ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम कि हमारा ये क्या हो गया 400 अपॉन एन पाई और ये माइनस वन की पावर एन प्लस वन। ठीक है, तो यहां से माइनस वन की पावर एन प्लस वन कर दो, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन के साथ था। यहां पे इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, और यहां पे हमें क्या मिला साइन एन पाई एक्स अपॉन टू ई की पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी अपॉन फोर। तो ये दोस्तों हमारा हो गया फाइनल आंसर। इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और हमें 10 नंबर मिल जाएगा। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।